दिल्ली विधानसभा में हंगामा, केजरीवाल ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा। क्या है पूरी खबर सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप फॉलो और सब्सक्राइब के बटन को सिर्फ एक बार क्लिक कर दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में मणिपुर में हिंसा पर चर्चा के लिए बुलाए गए सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीएम पिता समान होता है, लेकिन उन्होंने मणिपुर की बेटियों से मुंह मोड़ लिया। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में कहा, जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो लोग प्रधानमंत्री को याद करते हैं। पद और उम्र के हिसाब से प्रधानमंत्री उनके पिता समान हैं। बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और पिता कहे कि मेरा कोई लेना देना नहीं, वो मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी। आज हम सब लोग यहां पे मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। एक तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के MLAs जो कह के यहाँ से सदन छोड़ के बाहर चले गए और बाहर जाके चैनलों पे बाइट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पे भी चल रहा है, सारे चैनलों पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। इससे पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा का बीजेपी विधायकों की तरफ से कड़ा विरोध किया गया। इसके बाद मार्शलों ने ओपी शर्मा समेत चार विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मुद्दों की अनदेखी करके मणिपुर पर चर्चा कर रही है। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।